जिसको भी मैंने ग्रीन बताया था ना, ठीक ग्रीन हो गया। और इस झंडे का भी नीचे वाला क्या करना है, पहले आप लोग देख लीजिए फिर बनाइएगा, अभी बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले ब्लैक बोर्ड वाला आप लोग ध्यान से। हो गया काम? अब हम ग्रीन कलर रख के कौन सा उठाएंगे, केसरिया। अब हमें ऊपर वाला क्या करना है, केसरिया करना है, ठीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, झंडे का, बस त्याग और बलिदान का, किसका, त्याग और बलिदान। और हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली का, हरियाली का। और सफेद, हो गया केसरिया, पता चल रहा है केसरिया रंग की नहीं। अब ऊपर वाले झंडे में हमें क्या रंग भरना है, केसरिया। कौन सा कलर भरना है, पता नहीं चला, ठीक है। अब इसको भी और बात कर रहा है बेटा, देख लो ध्यान से, हो गया, कुछ समझ में आया, बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। हमें जो है चक्र हमारा नीले रंग से रंगते हैं, किससे, तो नीला रंग हमें पता नहीं चला, तो इसमें थोड़ा सा इसे नीला कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चार, ठीक। और हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे यह अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर दो, सुंदर बन जाए यह, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जय हिंद, क्या लिखेंगे, जय हिंद, जय हिंद। ठीक, हम इधर लिखेंगे वंदे मातरम, क्या लिखेंगे, वंदे